Students, today we start with the chapter 5, that is heat and its effect. So what is heat? जैसे heat आपने पहले भी पढ़ा होगा, you have already studied in your previous classes that heat is a form of energy or it is also known as heat energy or thermal energy. आपने अपनी last classes में भी पढ़ा है कि heat एक energy का form है जिसको हम heat energy और thermal energy भी बोलते हैं. Now let us understand in more details. Until the end of the 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. This fluid was named caloric. However, this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together becomes warm. 18th century तक ये माना जाता था कि heat एक fluid है. हीट जो है वो एक फ्लूड है. जब आप दो किसी भी बॉडी को हीट करते हो तो उसमें से एक फ्लूड निकलता है जिसको हम हीट बोलते हैं. तब तक ये नहीं मानते थे कि हीट एक एनर्जी है, तब तक हम ये मानते थे कि हीट एक फ्लूड है और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो उसमें से वो फ्लूड निकलता है और जब आप उस बॉडी को कूल कर दोगे, उसको ठंडा कर लोगे, तो वो फ्लूड वहां से गायब हो जाता है और उस फ्लूड को वहां पे नाम दिया था कैलोरिक. जो फ्लूड उन्होंने कहा था हीट एक फ्लूड है, तो जो फ्लूड को नाम किया था उसको कहा था वो कैलोरिक है. लेकिन ये बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया था कि हीट कोई भी फ्लूड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि अगर हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, अगर वो फ्लूड है तो हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो वो वार्म क्यों होती है, वहां पे हीट जनरेट क्यों होती है. जैसे कि आप अपनी दोनों पाम्स को, हाथ की दोनों पाम को अगर आपस में रब करते हो तो ये दोनों गर्म हो जाते हैं ना, हीट जनरेट होती है, दे बिकम्स वार्म. तो ऐसा क्यों होता है ये प्रूफ नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये गलत प्रूफ हो गया था कि हीट जो है वो फ्लूड नहीं है. द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय Count Rumford and James Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy known as thermal energy. Many other forms of energy can be converted to heat energy and heat energy can be converted to other forms of energy. फिर 19th सेंचुरी में काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट ने कुछ रिसर्च की और उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो हीट है वो कोई फ्लूड नहीं है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी को हम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. तो हीट एनर्जी को हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर फॉर्म एनर्जी को भी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when you rub your hands together, mechanical energy gets converted to heat energy and your hands become warm. जब आप अपने दोनों hands को rub करते हो तो आपने क्या किया, दोनों hands को rub करने के लिए mechanical energy लगाई खुद से और जब वो warm हो गए तो मतलब वो कौन सी energy बन गई, heat energy. तो यहाँ पे mechanical energy किसमें change हो गई, heat energy में. Second, when fuel is burned, chemical energy stored in the fuel gets converted to heat energy. अब फ्यूल है आपका, कोई भी पेट्रोल है या कोल है, तो उसके अंदर भी वो केमिकल है, तो वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी. लेकिन जब आप उसको बर्न कर दोगे तो वो क्या देगा, वो हीट देगा. तो केमिकल एनर्जी अब किसमें चेंज हो गई, हीट एनर्जी में चेंज हो गई. तो द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार. लेकिन जब उसी पेट्रोल की बर्न होने की वजह से कोई कार रन कर पा रही है ना, आपने कार में पेट्रोल डाला और वो पेट्रोल की वजह से अब कार रन कर पा रही है, तो वहां पे पेट्रोल बर्न हुआ तो उसकी हीट की वजह से कार रन कर पा रही है, तो हीट एनर्जी की वहां पे किसमें चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में. इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. जो आपके इलेक्ट्रिकल हीटर्स आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो गई, हीट एनर्जी में.
In a powerhouse, heat energy of burning coal is converted to electrical energy. और जो आपके पावर हाउसेज होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोल बर्न करके टर्बाइन्स रोटेट करके और फिर वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो वहां पे कोल को बर्न किया तो हीट एनर्जी की वजह से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की. तो हमने यहाँ पे हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया. तो ये सारे एग्जाम्पल थे कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो when a solid, a liquid or a gas is heated, its molecules gain energy and starts moving faster. The more we heat the substance, the faster its molecules move. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules. जब आप किसी भी solid, liquid या gas को heat करोगे तो उनके अंदर जो molecules है उनमें क्या आएगी, उनको भी energy मिलेगी, उनको भी heat energy मिल रही है ना. जब आप उनको heat कर रहे हो तो heat एक energy का form है, तो उन मॉलिक्यूल्स को भी क्या मिलेगी, हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी मिलते ही वो क्या, उनको एक एनर्जी मिलने के बाद वो जल्दी जल्दी उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये एक ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट आती है ये एक हीट एनर्जी की वजह से आती है, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीट. जो हीट है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. फिल अ वेसल अप टू द ब्रिम विद वाटर, ड्रॉप अ फ्यू पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स इन इट, हीट द वेसल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैपन. यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग. अब आपने कोई भी एक वेसल मतलब कोई भी एक बर्तन लिया, उसको बिल्कुल ब्रिम मतलब किनारे तक पानी से भर लिया और उसमें आपने कुछ पीसेस वेजिटेबल्स के डाल दिए. अब उस वेसल को आप हीट करो, द वॉटर बिकम्स वार्मर, दैट इज its temperature rises, the heat causes increase in temperature. कुछ टाइम बाद जब आप उस वॉटर को टच करोगे या उस वॉटर को चेक करोगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो जो वॉटर है वो गर्म हो आपको मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, राइज हो गया. तो हीट की वजह से जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी लिक्विड है, सॉलिड है या जो भी आपका मैटर है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. As the water heats up, some of its overflows, that is its volume increases. Thus, heat causes expansion. और जैसे ही जो water है वो पूरी तरीके से heat up हो जाएगा तो देखोगे कुछ पानी उसमें से overflow कर जाएगा, उस बर्तन में से बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब क्या है, heat करने पे जो भी substance है वो थोड़ा expand होता है. Expand मतलब spread होता है, उसके molecules दूर दूर होते हैं. तो expand इसका मतलब क्या है, heat की वजह से expansion भी होती है. As the water boils, steam comes out of the water. That is, water changes its state. Thus, heat causes change of state. आप water को आप boil करते हो तो water किस state में है, liquid state में है. लेकिन जब आपने उसको boil कर दिया तो उसकी क्या बन गई, steam बन गई. तो जो steam vapors बन के air में चली गई तो वो अब क्या हो गई, gaseous state हो गई. Water पहले liquid state में था, अब किस state में चला गया, gas state में चला गया. तो हीट की वजह से चेंज ऑफ स्टेट भी पॉसिबल है. आफ्टर द वॉटर हैज बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, द वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट एंड देयर टेस्ट चेंजेस, दैट इज द वेजिटेबल्स गेट कुक्ड. कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज अ केमिकल चेंज, दिस हीट कॉजेज केमिकल चेंज. अब आपने देखा कि आपने जो फ्यू पीसेस ऑफ वेजिटेबल उस वॉटर में डाले थे, जब आप उनको कुछ टाइम के बाद चेक करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी जो है वो चेंज हो चुका होगा. इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो उसके अंदर वेजिटेबल थी वो पूरी तरीके से कुक हो गई है या वो पक गई है. तो इसका मतलब है कि जो हीट है वो केमिकल चेंज भी अकर करता है. केमिकल चेंज मतलब जैसे कि अब आप उस वेजिटेबल को पहले जैसा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको पहले जैसा नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे पास एक पेंसिल है, अगर मैं उसके टू पीसेस कर दूं तो दोनों पीसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाली है. जो आपने अगर जो पहला पूरी एक पेंसिल थी या तोड़ने के बाद, दोनों लिखने के ही काम आएगी ना, ऐसा तो नहीं है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. या फिर आप किसी भी आपने जो चपाती बनाते हो, पहले वो एक डो था, आटा था,
और आपको करने के बाद क्या आप उसको दोबारा डो में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं. तो ये होता है केमिकल चेंज. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पेंसिल वाला था, जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती वो होता है आपका फिजिकल चेंज, और जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है वो होता है केमिकल चेंज. तो यहाँ पे जो वेजिटेबल है वो पूरी तरीके से कुक हो चुकी है, पक चुकी है, तो ये कैसा है? केमिकल चेंज है. If the water is examined under a powerful microscope before and after boiling, it is found that many bacteria that were earlier present in the water have died. Thus, heat affects living organisms. This is because every organism can tolerate a definite range of temperature. Its activities and survival get affected at temperatures higher or lower than the normal temperature. अब आप उसी वाटर को किसी भी हाई माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से चेक करोगे, तो जो आपका पहले वाटर था उसमें कुछ आपके माइक्रोब्स या कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. लेकिन आपको पता है ना, अगर वाटर हम बॉईल करके पीते हैं तो उसमें सारे जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं. तो अगर आप उस बॉइलिंग वाटर को चेक करोगे किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें आपको कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, वो सारे मर चुके होंगे. तो इसका मतलब ये भी है, जो हीट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन अमाउंट ही हीट झेल सकता है, अगर उससे ज्यादा हीट आती है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता. तो हीट की वजह से जो आपने इफेक्ट्स पढ़े वो है, हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट किसी भी सब्सटेंस को एक्सपैंड करती है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर देती है, हीट की वजह से केमिकल चेंज होता है, और हीट हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है. नाउ एक्सपेंशन. सपोज दैट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ होल. दे आर मूविंग अराउंड अ लिटिल टू टॉक टू ईच अदर. सडनली म्यूजिक इज स्विच्ड ऑन. द चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग एंड मूविंग अराउंड मोर. नेचुरली दे विल स्प्रेड आउट मोर एंड ऑक्यूपाई अ लार्जर पार्ट ऑफ द होल. Similarly, when we heat a substance, the movement of its molecules increases. This increases the average distance between the molecules. Therefore, the space occupied by the molecules, that is the volume of substance, increases. We see that heat causes expansion. जैसा भी आपने ऊपर भी पढ़ा है कि हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है. तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया कि फॉर एग्जाम्पल्स एक हॉल है और उसके कॉर्नर्स में कुछ बच्चे खड़े हैं. अभी वो नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई आके और म्यूजिक ऑन कर देता है तो वो सडनली डांस करना स्टार्ट कर देंगे. जब वो डांस करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सडनली द म्यूजिक इज स्विच्ड ऑन, द चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग एंड मूविंग अराउंड मोर. तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? और ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे डांस करते करते, एंड अ लार्जर पार्ट ऑफ द होल. उसी तरीके से जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो जो पहले जो उसके मूवमेंट थे उनमें और उनका उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं. देयरफॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इंक्रीजेस. तो उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लग जाता है, और वो इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब जो भी आपका सब्सटेंस था वो एक्सपेंड हो गया. देयरफॉर हीट कॉजेस एक्सपेंशन. नाउ एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. अब हम टेस्ट करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में एक्सपेंशन. क्या सॉलिड्स में भी एक्सपेंशन होता है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी? तो वन बाय वन हम तीनों की टेस्टिंग करेंगे. तो फर्स्ट हम चेक करते हैं सॉलिड्स में. वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू शो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. एक्टिविटी वन, टेक अ रिंग एंड बोल अपरेटस. दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रिंग एंड अ मेटल बोल. एट नॉर्मल टेम्परेचर द बोल जस्ट पासेस थ्रू द रिंग. नाउ हीट द बोल एंड ट्राई टू पास इट थ्रू द रिंग. इट विल नॉट पास थ्रू. द बोल हैज एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग. कूल्स द बोल टू नॉर्मल टेम्परेचर. इट विल पास थ्रू द रिंग अगेन. अब इन्होंने क्या किया, एक रिंग और बोल का अपरेटस लिया है. इसमें एक मेटल की रिंग है और एक मेटल की बोल है. तो दोनों यहाँ पे सॉलिड है, जो बोल है वो सॉलिड है. तो पहले इन्होंने इस बोल को इस रिंग में से पास किया तो वो इजीली इस रिंग में से पास हो गई. लेकिन उसके बाद इन्होंने इस जो बॉल है, मेटल की बोल, इसको हीट किया, और हीट करने की वजह से जो वो सॉलिड था वो क्या हो गया?
एक्सपैंड हो गया, तो वो रिंग्स की साइज से बड़ी हो गई हमारी बोल। तो अब इन्होंने इसमें से पास करने की कोशिश की, जैसा आपको फिगर बी में दिखाया हुआ है, तो ये पास नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि हीट की वजह से जो आपकी मेटल थी, जो मेटल रिंग बोल थी, मतलब जो आपका सॉलिड है, वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि सॉलिड्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, की जो सॉलिड है वो हीटिंग पे एक्सपैंड होता है। इफ द अबव एप्रेटस इज नॉट अवेलेबल, यू कैन कैरी आउट अनदर एक्टिविटी। अब इन्होंने दूसरी एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मेटल रोड अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ले इट हॉरिजॉन्टली ऑन टू वुडन सपोर्ट्स, keep one of its end against a hole, rest the other end on a round pencil, attach a paper pointer to the pencil, heat the rod. You will notice that the paper pointer rotates to the right. Why? The more you heat the rod, the more the pointer will turn to the right. अब इन्होंने कहा है आपने दो वुडन ब्लॉक लिए और उनपे एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मेटल की रोड रख दी, ठीक है। एक तरफ तो वो हमने वॉल में वॉल में फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ वो हमने एक पेंसिल के ऊपर रखा है, जो आपकी मेटल रोड है उसके नीचे एक पेंसिल इंसर्ट कर दी है और उसके सामने हमने एक पेपर नोट लगा दिया है। अब आप उसको हीट करो। अब इस पेंसिल से हमने मार्क कर दिया है जहां पे आपकी पेंसिल है इस पेपर के ऊपर, जो पेंसिल के टिप के आगे हमने लगाया है। अब जब आप इस मेटल रोड को हीट करोगे तो हीट होने के बाद जो ये रोड है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर ये एक्सपैंड करेगी तो इसके साथ साथ जो हमने इसके नीचे पेंसिल रखी है वो भी क्या करेगी, रोल करेगी ना। अगर ये आगे की तरफ पाइप आपका आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो ये इसके साथ आपकी इसी के नीचे जो पेंसिल रखी है वो भी क्या करेगी, रोल करेगी। और वो रोल करेगी तो इस पॉइंटर से जो आपने पॉइंटर पहले लगाया था कि हमारी पेंसिल यहाँ, ये धीरे धीरे आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस सॉलिड के अंदर कितना एक्सपेंशन हुआ है या ये रोड हमारी कितनी ज्यादा एक्सपैंड हुई है। द टर्निंग ऑफ द पेंसिल शोज दैट इट हैज बीन रोल्ड। This is possible only when the rod expands on heating. This shows that solids expand on heating. Measurements of expansion made on different solids shows that different solids expand by different amount for the same increase in temperature. तो आपको पेंसिल के रोल होने की वजह से पता लग गया कि जो मेटल की रोड थी वो एक्सपैंड हुई है। अब आपने जब ऐसे टेस्टिंग करोगे, आप एक बार किसी अलग अलग मेटल्स लोगे या अलग अलग टाइप के सॉलिड्स लोगे तो किसी सॉलिड में कम एक्सपेंशन होगी सेम टेम्परेचर पे और किसी सॉलिड में ज्यादा एक्सपेंशन होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स पे जो उनके एक्सपेंशन है वो भी अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है सब सेम अमाउंट कि अगर वो एक सेंटीमीटर एक्सपेंड हुआ तो जो दूसरा मेटल या कोई दूसरा मेटल है वो भी एक सेंटीमीटर एक्सपेंड होगा। डिफरेंट सॉलिड्स की या डिफरेंट मेटल्स की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपेंशन जरूर होगा लेकिन एक्सपेंशन कम या ज्यादा हो सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। नाउ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। यू नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर नॉट सो फर्मली बाउंड टू ईच अदर एज इन सॉलिड्स, देयरफॉर ऑन हीटिंग देयर वाइब्रेशंस इंक्रीज मोर देन द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। दिस रिजल्ट इज दैट लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। अब इसमें आपको पता है कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई गैप नहीं होता, वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं ऐसे। और जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा गैप होता है, वो इतनी टाइटली या इतनी फर्मली अटैच नहीं होते जैसे सॉलिड्स के होते हैं, उनमें कुछ गैप होता है बीच में। आप यहां देख रहे हो ये है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स। और गैसेस में के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा गैप होता है, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत गैप होता है। तो ये हो गए आपके गैसेस के। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स टाइटली अटैच्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स के लूज होते हैं सॉलिड से, और गैसेस के वेरी लूज, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में देखो स्पेस है, तो वो स्पेस है वो एक दूसरे से टाइटली अटैच नहीं है, तो वो इजिली ज्यादा वाइब्रेट भी करेंगे, तो उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो भी ज्यादा होगी। वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो ये जब ये हीट हो जाएंगे तो ये
दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। तो जब इनमें वाइब्रेशन ज्यादा हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इनके अंदर एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस के में हम चेक करेंगे, ये है हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स, ये है लिक्विड्स के और ये है सॉलिड्स के। तो सॉलिड्स के अंदर इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सॉलिड्स के अंदर सबसे कम एक्सपेंशन होगा, फिर लिक्विड के अंदर, और गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती है। तो हमारे जो लिक्विड्स है वो एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा एक्सपैंड होगी। नाउ एक्टिविटी 3, फिल अ फ्लास्क अप टू द ब्रिम विद वाटर, टेक अ रबर कॉक विद अ होल इन इट एंड इंसर्ट अ नैरो ट्यूब इनटू द होल, fix the cork firmly in the mouth of a flask, the liquid will rise a little in the tube, not the level of the liquid, heat the liquid, you will notice that the level of a liquid in the tube goes down a little and then starts rising, it goes down initially as the flask gets heated first and expands, when the heat reaches the liquid it expands and its level in the tube goes up, cool the liquid to normal temperature, the level will go down again। अब आपको पता है जब आप किसी भी लिक्विड को बॉइल करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादा थोड़ा गैप होता है, दे लूजली पैक्ड होते हैं, तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो उनके अंदर जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अभी इस एक्टिविटी में इन्होंने एक फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क के ऊपर एक रबर कॉक लगा दी है ताकि इसमें से वाटर आउट ना हो, और इसके अंदर एक होल किया है जिसके थ्रू हमने एक इसके अंदर ट्यूब डाल दी है। अब जब आप इसके अंदर ट्यूब डालोगे, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप तक फिल था आपका फ्लास्क, तो कुछ वाटर आपकी ट्यूब में भी चला जाएगा। नाउ जब अब आप इसको हीट करो, जब आप इसको हीट करोगे तो एक बार जो आपका वाटर का लेवल मान लो अभी यहां तक है तो थोड़ा सा डाउन आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो फ्लास्क है वो भी क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। अगर फ्लास्क ने भी थोड़ा स्पेस बनाया तो पानी नीचे की तरफ जाएगा जो भी वाटर है, तो एक बार जो आपका वाटर है वो नीचे आएगा, लेकिन जब जितना फ्लास्क को एक्सपेंड होना था वो हो गया, अब क्या हुआ आपका वाटर हीट होने लग गया, तो अब अंदर का लिक्विड एक्सपेंड होगा। जब वाटर एक्सपेंड होगा तो दोबारा आप देखोगे कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि अब टॉप टू द ट्यूब ये फिल हो गया है। तो ये पता लगता है कि जो लिक्विड है वो भी हीट होने पे एक्सपेंड होते हैं। If the experiment is conducted using different liquids such as kerosene and oil, it is found that the amount of expansion is different in different liquid for the same increase in the temperature. तो जैसा मैंने solids में बताया कि different solid में different expansion होता है, उसी तरीके से same जो liquids हैं उनमें भी different expansion होता है। कुछ liquids कम expand करते हैं और कुछ ज़्यादा expand करते हैं, ये उनकी properties पे depend करता है। Now expansion in gases. अब हम gases में check करते हैं। On heating a gas, the vibration of its molecules increases. Since the molecules are not bound to each other at all, the average distance between the molecule increases considerably. Hence, the expansion will be more in the case of gases than in solids or liquids. Thus, gases expand more than liquids and solids on being heated. अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो gases के जो particles हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, दूसरे से बिल्कुल attached नहीं होते। तो जब आप उसको हीट करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो भी ज्यादा होगी, है ना, जो उसके मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज्यादा होगी मतलब उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गैसेस में जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होता है, तो गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है। Now हम इस एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। एक्टिविटी 4, एम्प्टी द फ्लास्क यूज्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी, फिक्स द फ्लास्क टू अ स्टैंड इन एन अपसाइड डाउन पोजीशन ओवर अ बीकर ऑफ वाटर सो दैट द ग्लास ट्यूब डिप्स इनसाइड द वाटर, हीट द फ्लास्क एट द टॉप, एज द एयर इन द वाटर फ्लास्क एक्सपैंड्स इट एस्केप आउट ऑफ द फ्लास्क थ्रू द ट्यूब इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर, द बबल्स ऑफ एयर कैन बी सीन इन द वाटर, होल्ड द फ्लास्क एज द एयर अप air inside the flask contracts, the water rises up in the tube. This shows that gas like air expands on heating and contracts on cooling. अब इन्होंने कहा है कि जो पहले हमने ये tube और ये flask वाला जो apparatus लिया था यही ले लिया, बस इसको हमने उल्टा कर लिया है और इसमें से हमने जो water है वो भी सारा इस beaker में निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर सिर्फ गैस है, वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर हमने इस बीकर में निकाल लिया है।
और ये ट्यूब जो है वो इस वाटर के अंदर डिप, इतनी हमें ये ट्यूब जो है इतनी लंबी लेनी है जो इस बीकर के वाटर के अंदर डिप हो जाए. नाउ अब जब आप इसको जब आप इस बीकर को इस फ्लास्क को हीट करोगे ऊपर से टॉप से, तो जब इसके अंदर पहले तो ये जो आपका जो ये फ्लास्क है ये थोड़ा एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने के बाद जो अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर. अब धीरे धीरे वो एयर वार्म होने लगेगी, तो एयर भी क्या करने लगेगी, एक्सपैंड करने लगेगी. तो जब ये एयर एक्सपैंड करेगी तो एयर क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी. तो आपको पता है जब किसी भी आप वाटर में जब एयर आएगी तो उसके अंदर क्या बनने लग जाएंगे, बबल्स बनने लग जाएंगे. तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इस वाटर के अंदर क्या बनने लग जाएंगे, बबल्स. तो यहां से आपको पता लगेगा कि इसमें से एयर जो है ट्यूब में से अब वो बाहर आ रही है. बाहर आ रही है इसका मतलब जो अंदर की एयर है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई. तो ये हमें पता लगता है कि जो गैसेस है वो भी हीट करने पे एक्सपेंड होती है. नाउ अब इसको कूल होने दो, इसको ठंडा होने दो. जो हमने हीट किया था उस जो भी हीट बर्नर था या जो भी था उसको हटा दो और इसको ठंडा होने दो. जब ये ठंडा होने लगेगा तो जो इसका जो वाटर बबल्स है, ये जो एयर है वो वापस फ्लास्क में जाएगी, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना. पहले एक्सपैंड हुई थी, अब वो दोबारा फ्लास्क में जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एयर ठंडे होने पे. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसके साथ जो ट्यूब में है वो वाटर भी राइज अप करेगा. क्योंकि अगर आप देखो, आप कोई भी आपके पास पाइप है और आप उस एयर उस पाइप को वाटर में डिप करने के बाद आप उसमें से एयर को सकअप करते हो, मतलब ऊपर की तरफ, जैसे आप फ्रूटी पीते हो तो उस पाइप से आप एयर को ऊपर की तरफ खींचते हो ना, एयर को सकअप करते हो, तो उसमें से जो जूस है, जो भी फ्रूटी है वो भी ऊपर आता है, लिक्विड भी ऊपर आता है. तो जब एयर भी ऊपर की तरफ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसके साथ साथ जो वाटर है वो भी ट्यूब के थ्रू ऊपर होने लगेगा, मतलब ट्यूब में फिल हो जाएगा. तो हमें यहां से पता लगता है कि गैसेस भी हीट होने पे एक्सपैंड करती है और कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो आज हमने पढ़ा हीट के बारे में कि हीट क्या है. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और हम ही अपनी हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदर फॉर्म एनर्जी को भी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, हीट एक्सपेंशन, हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है, हीट कॉजेस चेंज इन स्टेट, हीट की वजह से स्टेट चेंज हो जाती है. लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड था वाटर, और जब आपने उसको हीट किया तो वेपर्स में जाके वो गैस स्टेट में आ गया. हीट की वजह से केमिकल चेंज हो जाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, और हीट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करती है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ही टॉलरेट कर सकते हैं. अगर ज्यादा हीट मिली तो वो मर जाएंगे, दे विल डाई. नाउ एक्सपेंशन हमने उसके बारे में पढ़ा कि एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, और गैसेस में भी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की. तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक आपको इतना रीड करके रखना है.